हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा आईटेल 355 प्लस 5G फ़ोन है, तो आईटेल 355 प्लस 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में कॉल एंडेड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और कॉल एंडेड प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर पाएंगे आईटेल 355 प्लस 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कॉल एंडेड प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देखते हैं आइकन शो हो रहे हैं जिसमें सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो कॉल एंडेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग्स शो हो रही है, जहाँ से आपको जाना होगा ऐप मैनेजमेंट पे। तो ऐप मैनेजमेंट पे जाते हैं तो ऐप मैनेजमेंट सेटिंग्स आ जाएगी, जहाँ से ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है तो ऐप लिस्ट ओपन हो जाएगी, जहाँ से कॉल एंडेड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं कि सिंपली आपको फ़ोन आइकन्स पे जाना होगा। फ़ोन आइकन्स पे जाते ही फिर आपको स्टोरेज एंड कैश पे चले जाना है। स्टोरेज एंड कैश पे जाकर इस तरीके से डाटा क्लियर कर देना है। क्लियर करते ही फिर आपको यहाँ से परमिशंस पे जाना है। परमिशंस पे जाकर कॉल लॉग परमिशंस को कुछ इस तरीके से ऑन ऑफ कर लेना है और साथ में फ़ोन परमिशंस भी ऑन ऑफ कर लेना है, जिससे आप अपने फ़ोन की कॉल एंडेड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉल एंडेड प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।